झाबुआ जिले के ग्राम गोपालपुरा में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद की घटनाएं हैं, जिसमें दंपति पर लाठियों से हमला कर दिया है। सिर में गंभीर चोट लगने से फूंदे बाई की मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतका की बेटी राकू डामोर ने कहा कि इस जमीन विवाद को लेकर तेजिया नामक व्यक्ति ने माता पिता पर लाठी से हमला कर दिया। जब दोनों को बचाने गया तो आरोपी ने उसके ऊपर लाठी से वार करना शुरू कर दिया, जिससे उसके हाथ में भी चोट आई है। कोडामोर में गोपालपुरा से हूँ और मेरी मम्मी और पापा के साथ झगड़े जमीन से विवाद हो रहा था और मैं बीच दौड़ के गया और मेरी मम्मी को लट से मारा और पिताजी को भी लट से मारा और मेरे को भी लट से मारा तो सिर में गहरी चोट आई और दोनों हाथों में भी मेरे को चोट आई। ये जमीन का विवाद था, जमीन कई पुरानी थी तो हमारे कई बोल रहे थे कि कब्जे में थी और जो छोटे कड़ावत के लोग थे वो बोल रहे कि ये हमारी जमीन है, ये बोल रहे थे। तो जमीन हमारे गोपालपुरा की सीमाकरण में थी तो हमारे कब्जे में थी, इस बात से लेकर हमारा विवाद हुआ। किस जगह हुआ है विवाद? ये गोपालपुरा में हुआ। किन्होंने मारा है आप नाम मालूम है? ये छोटे कड़ावत वालों ने मारा। नाम मालूम है किसी की? मालूम है। क्या नाम है उनके? ये प्रदीप पिता तेजिया ने, प्रकाश पिता हकरू ने, हकरू पुंजा ने, फिर वो विनोद पिता तेजिया ने और तेजी हकरू और प्रकाश हकरू। किस किस को चोट लगी है? ये एक तो मेरे को लगी है, पिताजी को लगी, पाँव फ्रैक्चर हो गया और मम्मी को सिर में चोट लगने से मम्मी ऑफ हो गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकू डामोर। ये गोपालपुरा गांव में थाना कोतवाली अंतर्गत जो है कल दिनांक 28 को लगभग 3 बजे के आसपास दो पक्षों के बीच में जमीन को लेकर के विवाद हुआ था और इसमें एक पक्ष द्वारा जो है मृतिका पुंदीबाई की जो है लाठी हाथ मुखों से मार करके जो है हत्या कर दी गई है। इस मामले में मृतिका के लड़के राकू पिता मेहता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 147, 148, 294, 323 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस मामले में अभी विवेचना जारी है और विवेचना के अनुसार जिस प्रकार से साक्ष्य पाए जाएंगे वैसे इसमें आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।